दोस्तों इंडिया में हर 3 में से एक घर में ये 3 हेल्थ ड्रिंक मिल जाती है। क्या ये हेल्थ ड्रिंक आपकी बॉडी को सफिशियंट न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है? मेरा जवाब होगा नहीं। ये पता करने के लिए आपको तीनों प्रोडक्ट के न्यूट्रिशनल कंटेंट देखना होगा। आपको यहाँ जो न्यूट्रिशनल कंटेंट देखने को मिलेगा वो डेली नीड से बहुत कम है। मतलब एक दिन में जितना न्यूट्रिशन हमारी बॉडी को चाहिए उसके लिए हमें इन तीनों प्रोडक्ट से 10 चम्मच खाना होगा और ये हमारी सेहत के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। अगर बॉर्नविटा के इंग्रेडिएंट्स को देखें, इसमें माल्ट एक्सट्रैक्ट, सोलिड कोका, शुगर, कैरेमल, E150 मिल्क, सॉलिड इमल्सीफायर, लिक्विड ग्लूकोज, विटामिन, रेजिन एजेंट, E500 फ्लेवर और साल्ट डाला गया है। और 2 चम्मच बॉर्नविटा आपको कार्बोहाइड्रेट 8 ग्राम, पोटेशियम 45 मिलीग्राम, सोडियम 25 मिलीग्राम, प्रोटीन 1 ग्राम, शुगर 8 ग्राम, विटामिन ए 10%, आयरन 30% एंड विटामिन ई 50%, जिंक 10% और कुछ बी कॉम्प्लेक्स प्रोवाइड करा देता है। ओवरऑल जो हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन की डेली नीड होती है उससे 3-4 गुना कम है इसमें। पर ये शॉर्ट टाइम के लिए आपकी एनर्जी को बूस्ट कर सकता है, लेकिन लॉन्ग टाइम के लिए इसके बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट हो सकते हैं। तो ये शुगर बेस्ड एनर्जी ड्रिंक है, इनके लॉन्ग टाइम बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट हो सकते हैं। बच्चों में अननेसेसरी वेट गेन हो सकता है, डायबिटिक पेशेंट तो बच के रहना, और इससे दांतों में कैविटी हो सकती है क्योंकि इसमें चॉकलेट और शुगर कंटेंट ज़्यादा होता है। अगर बात करें इसमें डाला गया कैरेमल E150, ये एक ब्राउन कलर है, इसके अलावा इसका कोई बेनिफिट नहीं है, पर लॉन्ग टाइम यूज से आपको ये पेट की प्रॉब्लम कर सकता है। अगर शुगर की बात करें, इसके 2 चम्मच में 40% तो चीनी है जिससे कैविटी और मेटाबॉलिक डिजीज क्रिएट हो सकती है बाद में। डाला गया इमल्सीफायर, ये एक तरीके का आर्टिफिशियल फ्लेवरिंग और कलरिंग सब्सटेंस है। अभी ज़्यादा स्टडी तो आई नहीं और एक प्रेग्नेंट वुमेन के लिए सेफ नहीं है। अगर बात करें कॉम्प्लेन की साइड इफेक्ट की, ये आप शॉर्ट टाइम में आपकी एनर्जी तो बूस्ट करेगी ही, पर उसके अलावा आपके दांतों में कैविटीज और मेटाबॉलिक डिजीज क्रिएट करेगी। अगर आपके बच्चों का अननेसेसरी वेट गेन हो रहा है तो आप कॉम्प्लेन को अवॉइड कर सकते हैं बिकॉज इसमें हाई क्वांटिटी में कार्बोहाइड्रेट और कैलोरीज है। बाकी आर्टिफिशियल सब्सटेंस यहाँ भी देखने को मिल जाता है। अगर हॉर्लिक्स की बात करें, ये मेटाबॉलिज्म को स्टिमुलेट और आपके ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट को बढ़ाता है जिससे फ्यूचर में आपको कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। अगर आप ज़्यादा अमाउंट में डोज लोगे तो ये आपकी बॉडी को डिहाइड्रेट कर देगा क्योंकि इसमें शुगर कंटेंट बहुत ज़्यादा है। अगर आपके बच्चों में अननेसेसरी वेट गेन, चिड़चिड़ापन या ये 3 प्रोडक्ट खाने के बाद कोई भी साइड इफेक्ट आता है तो आप इसे स्टॉप कर सकते हैं। आप अपने बच्चों को दूध, ग्रीन वेजिटेबल, एग, फिश, प्रॉपर अच्छी डाइट देते हैं तो आपको इन 3 प्रोडक्ट की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। आप कोशिश करो अपने बच्चों को विटामिन एंड न्यूट्रिशन आप उनके डाइट से ही प्रोवाइड कराने की। कंपनीज अपने प्रोडक्ट को अच्छा बनाने के लिए इसमें कलरिंग फ्लेवरिंग एजेंट डाल रही है और इसकी एक्सपायरी को लंबा करने के लिए इसमें प्रिजर्वेटिव डाल रही है। बाकी आप समझदारी हैं, बने रहिए फिटनेस बाबा के साथ।